ओके सो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है ये है हमारा जो रमज़ान बैच स्टार्ट हो रहा है आ, उसके लिए इंट्रो सेशन ठीक है तो इसमें आप लोगों तो को मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि हमारे इस बैच में क्या क्या कोर्सेज होंगे कौन कौन ट्रेनर्स होंगे और क्या क्या आउटलाइन और आ, इसके फ़ायदे बेनिफिट्स और इन चीज़ों के बारे से आपको कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्वेरी हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं ओके okay. तो बेसिकली जो हमारा रमज़ान का सेशन है तो इसमें पांच कोर्सेज़ हैं जो वो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ शायद अपने ग्रुप वगैरह में भी मैसेजेस देखे हूँ एक इसमें होगा हमारे पास ई कॉमर्स का सेशन एक इसमें होगा हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग फेसबुक मार्केटिंग, एक हमारे पास होगा शॉपिफाइट डेवलपमेंट का कोर्स एक इसमें होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एक होगा एस तो ये टोटल होंगे हमारे पास पांच कोर्सेस ठीक है अब इन पांच कोर्सेज़ के आपस में लिंक क्या हैं इन पांच कोर्सेस के आउटलाइन क्या होगी या इसमें क्या वर्किंग स्टैल्यूज़ होंगे ठीक है अच्छा सबसे पहले मैंने आपको टाइम टेबल शेयर कर दिया था ग्रुप में ठीक है क्योंकि पिछले दफ़ा थोड़ा सा ना टाइम टेबल का इशू आना था तो टाइम टेबल मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ मैं आपको दोबारा से भी दिखा देता हूँ जी राजी आपका रमजान का टाइम टेबल सो बेसिकली पांच कोर्सेज हैं जैसे मैंने आपको बताया तो पहला हमारा जो सेशन है वो लोकल ई कॉमर्स का होगा जो कि कल से स्टार्ट होगा इसकी चार क्लासेस हैं उसके बाद फिर शॉपिफाई डेवलपमेंट है स्टोर डेवलपमेंट उसकी चार क्लासेस होंगी उसके बाद फिर हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसके बाद एस है उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है दो कोर्सेज़ मैं खुद पढ़ाऊंगा जो कि ई कॉमर्स के हैं और डिजिटल मार्केटिंग होगी और इसके अलावा शॉपाइट डिवेलपमेंट अब्दुलरमान पढ़ाएगा अब्दरमान शॉपिफाई के ऊपर चार पाँच साल से काम कर रहा है और डिफरेंट एक जगह जॉब कर रहे हैं और उसके पास कुछ छः सात डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जिनके लिए काम कर रहा है तो अच्छा एक्सपीरियंस है उसका शॉब डेवलपमेंट के अंदर ग्राफिक्स में मतीन साहब है मतीन साहब बहुत अच्छे से हमारे साथ अटैच है और अच्छा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत नॉलेजफुल और अच्छी एस में तला साजिद बहुत एक्सपीरियंस माशाल्लाह और काफ़ी ब्रांड्स में काम कर चुके हैं पाकिस्तान में जिनको भी एस की वो सर्विस दे रहे हैं और अभी उसने रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया है जहाँ पे ये एस की सर्विस दे रहे हैं ठीक है अभी लास्ट सेशन में भी इनके साथ क्लासेस हुई थी तो स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक है एस के वाले से अच्छा आप लोगों के माइंड में कोई भी सवाल हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मैं आपको थोड़ी सी इसकी आउटलाइन दिखा देता हूँ सो so स्टार्ट हम करेंगे लोकल ई कॉमर्स से लोकल uh, कॉमर्स e के जो सेशंस हैं वो मैं ख़ुद से ही आप लोगों को करवाऊंगा ठीक है अब लोकल कॉमर्स e में हम चार सेशंस में क्या अचीव करेंगे ठीक है जो हमारा पहला सेशन होगा वो आपके uh, इस लोकल कॉमर्स और पाकिस्तान में कॉमर्स e चल रहा है इसके हवाले से कि यहाँ पे क्या यू नो स्केल क्या है स्कोप क्या है uh, किन कैटेगरीज़ में हम लोग काम कर सकते हैं uh, किस मॉडल में काम कर सकते हैं ठीक है लाइक अगर हमने पी अपना बनाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या आ, प्लस पॉइंट्स है क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं अगर हमने वाइट लेवल पे जाना है या अगर हमने ड्रॉप शिपिंग के ऊपर मॉडल्स के ऊपर जाना है ठीक है तो ये वाली सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग होगी <coughs> कि प्रोडक्ट हंटिंग पाकिस्तान की मार्केट में रहते हुए आप किस प्रोडक्ट को हर्ड हर, किस क्राइटेरिया के थ्रू उसको हंट कर सकते हो ठीक है तो उसकी वर्किंग उसके सनेरीरियोज़ क्या होंगे और किस तरीके कार से Uh, आपकी प्रोडक्ट काम करती है इसमें फिर आपका पी एन एल इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपके मार्जिन आप किस तरीके कार से उसकी प्राइसिंग जस्टिफाई uh, करते हो किस तरीके कार से आप उसको ऑनबोर्डिंग uh, क्राइटेरिया क्या होते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग सप्लाई चेन इसके हवाले से आ जाते हैं ठीक है तो ई e कॉमर्स का मकैनिज़म क्या है ये आई थिंक चार सेशन हमारे इनफ होंगे इनको समझने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों के साथ इसमें अच्छा बीच में, में क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे ठीक है आप लोगों ने कुछ भी सवाल पूछना है आपने कुछ भी क्यूरीज़ हैं तो वो भी आप इन सेशंस के बीच में हम क्वेश्चन आंसर भी रख सकते हैं और हम सेपरेटली क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन भी कर सकते हैं इट्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स फिर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शॉपिफाई डेवलपमेंट शॉपिफाई डेवलपमेंट आपके चोर चार कोर्सेज में बहुत इजीली आपकी स्टोर डेवलपमेंट तक चीज़ें पहुंच जाती है ठीक है अगर उसमें भी जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी हम आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं और एक्स्ट्रा रिसोर्स भी दे सकते हैं ठीक है अभी हमने लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें भी इस चीज़ को हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था कि जो एक्स्ट्रा हम टाइम देना एक्स्ट्रा ट्रेनर्स देने हैं रिसोर्स देने हैं तो वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड हो जाती हैं ठीक है ठीके? अच्छा फिर ग्राफिक्स है ग्राफिक्स आपको कितनी सीखनी है ग्राफिक्स की जो लाइन है ग्राफिक्स की जो फील्ड है ना आई थिंक वो कभी ना ख़त्म होने वाली है उसकी लर्निंग शायद आ, कभी नहीं चलती है आ, कभी नहीं ख़त्म होती वो हमेशा चलने वाली चीज़ है ठीक है ग्राफिक्स हमें सिर्फ स्टार्ट में इतनी सीखनी है कि हम अपने स्टोर्स के बैनर्स बना सकें हम अपनी फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट कर सकें हम अपना लोगो वगैरह क्रिएट कर सकें इस लेवल तक हम अपनी चीज़ों को खुद से मैनेज कर सकें ठीक है अब मैंने गूगल से कोई इमेज उठानी है तो उसको मुझे रिसाइज करना है

आपके सामने लाइव बैठे हुए हैं इस तरह आपके सारे सेशन लाइव होंगे और इन सेशन के बाद आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जैसे ये सेशन भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है तो मैं इसको अपलोड करके आप लोगों के साथ ग्रुप में लिंक भी शेयर कर दूंगा तो सारे जो सेशन होंगे वो लाइव होंगे और आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाएगी अच्छा आ, आपका ग्राफिक्स हो गया आपका शॉपिफाई हो गया फिर आपका एस अब एस क्यों ज़रूरी है Uh, सबसे पहले आप अपना लोकल स्टोर बना रहे हो ठीक है तो उसकी एक एस की यू uh, नो you know, एक वर्थ वैल्यू बनती है कि आप सर्च में नज़र आ रहे हो आप अपने पेजेस को अपने कंटेंट को रैंक करते हो ठीक है जहाँ से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है और जहाँ से आपको वो एक ऑर्डर्स का फ्लो आता है ठीक है या रीच मिलती है ऑडियंस आती है तो आपकी एस सी ओ वहाँ पर होती है सेकेंडली अगर आप इंटरनेशनल जाते हो तो एस की बहुत ज़्यादा डिमांड है लाइक अब मैं अपने कुछ अगर बिजनेस रन कर रहा हूँ ठीक है तो मुझे इस चीज़ का आइडिया कि आ, अगर मेरे दिन में दस ऑर्डर्स पेड एडवरटाइजमेंट से आते हैं तो एटलीस्ट दो से तीन ऑर्डर अगर मुझे बगैर एडवर्टाइजमेंट की ऑर्गेनिकली आ रही है तो मेरा वो मार्जिन या मेरी कॉस्टिंग को बहुत हद तक आ, क्लियर करता है या बहुत हद तक वो आ, कवर अप कर लेता है ठीक है तो एस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है स्पेशली हमारे जो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं उनके लिए ठीक है और अगर ई e कॉमर्स के स्टोर्स हम नहीं भी रन कर रहे हैं तो हम एस की सर्विस दे सकते हैं एस की वो सर्विस है जो कि पिछले आई थिंक दस से पंद्रह साल से चल रही है और अभी तक बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है मैं डेली अपने सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ एस सी ओ के आ, लोग अपने स्टेट शेयर कर रहे हैं लोग अपनी अर्निंग्स शेयर कर रहे हैं ठीक है जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ रही हैं लोग हायर कर रहे हैं या आउटसोर्स पे कर रहे हैं ठीक है तो एस की स्टिल बहुत ज्यादा वर्थ है और बहुत ज्यादा वैल्यू है अच्छा जी और सवाल थे आ, फीस अच्छा जी इसकी जो फीस है आ, इन कोर्सेस की वो पर कोर्स पंद्रह सौ रुपये है पंद्रह सौ रुपये ओनली एक बंदे की सहरी की डील भी नहीं आजकल पंद्रह सौ में अच्छा इसकी जो फीस है बेसिकली आ, हमारे जो लास्ट सेशन भी हुए थे और जो अभी वाला हमारा सेशन भी है रमजान वाला भी तो ये बेसिकली हमें आ, कुछ थोड़ी सी स्पॉन्सरशिप मिलती है जी सारे कोर्सेज अहमद लाइव होंगे ऑल कोर्सेज़ लाइव होंगे तो थोड़ी सी हमें जो स्पॉन्सरशिप मिलती है थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन्स ठीक है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन्स uh, उनकी तरफ से और वो काफ़ी कुछ मिला के वो इन फिर हम आपके साथ डिलेटर ऑन डिस्कस करेंगे पंद्रह सौ जी बिल्कुल uh, जो आपके सारे कोर्सेज़ हैं ठीक है पर कोर्स पंद्रह सौ पाँच कोर्सेज़ हैं और इनकी जो फीस है वो पंद्रह सौ रुपये है और ये टोटल जो आपके कोर्सेज़ होंगे ये बीस दिन uh, चलेंगे और उसके बाद हम लोग इसके सेशंस भी रखेंगे आप लोगों के लिए एग्जाम भी होगा और आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी दे जाएंगे ठीक है आपके सेशन एंड पे दो से तीन दिन का हम टाइम रखेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर वाली चीज़ें होंगी स्पेशली और उसमें हम कोशिश करेंगे कुछ मार्केट लीडर्स को हम ऑन बोर्ड करें उनको हम अपने सेशनस पर लेके जिनसे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो जिनसे आप उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें सीख सकते हो लाइक uh, like हमारे पास आज भी सेशन में ज्वाइन करना था उमेर साहब ने वो uh, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है पाकिस्तान में उसके साथ अभी इंगेज हैं और इनके पास पाकिस्तान में सिर्फ ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के टू फिफ्टी प्लस क्लाइंट्स हैं ठीक है जिसमें बड़े ब्रांड्स भी हैं जिसमें छोटे ब्रांड्स भी हैं टू फिफ्टी प्लस क्लाइंट्स हैं ठीक है अगर आप पर क्लाइंट भी दस हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हो तो आप उसी कैलकुलेशन कर लो कि यार वो पर मंथ कितना उनका सॉफ्टवेयर हाउस कितना कमा रहा है ठीक है और वो सिर्फ़ ई कॉमर्स की सर्विसेज देते हैं वो स्टोर डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग दे रहे हैं ठीक है जो पांच कोर्सेज़ आपके सामने यही यही वो सर्विसेज दे रहे हैं ठीक है सो ये बेसिकली आपके चार चार दिन के सेशंस होंगे दो दो घंटे की एक आपकी क्लास होगी लाइव क्लास होगी यहीं पर इसी तरीके कार से और उसके बाद उसकी आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी और कोई भी आपको क्वेश्चन होता है कोई भी क्यूरी होती है तो वो हम लोग उसको भी सुनेंगे उसको भी सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और जो हेल्प सपोर्ट वगैरह हम लोग कर सकते हैं ठीक है तो वो भी साथ के साथ चलती रहेगी जिसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है अभी हमने पिछले दो हफ्ते पहले एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें कुछ लोगों को सिलेक्ट करके आ, काम स्टार्ट किया था और इन रमज़ान के बाद दो प्रोजेक्ट्स हमारे पास और हैं कि जिसके अंदर हमने तकरीबन तीस से चालीस लोगों को इंगेज करना है वो दो महीने या तीन महीने का एक प्रोजेक्ट होगा वो सोशल मीडिया से रेलीवेंट और ये एस से रेलिवेंट है स्पेशली कुछ कंटेंट क्रिएशन करवानी है कुछ वीडियोस बनवानी है कुछ ब्लॉगिंग टाइप मटेरियल रेडी करवाना है ठीक okay? है तो उसके लिए फिर हमें डिफरेंट कंपनी से डिफरेंट ब्रांड अप्रोच करते हैं जिनको वर्किंग चाहिए होती है स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से ठीक है तो वो हमारे पास जो अपनी आप कह लोग एक टीम है ठीक है ये अपने लोग हैं अपने स्टूडेंट्स हैं हम उनको यूटिलाइज करते हैं कि उनका एक तो वर्किंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो रहा है वो मार्केट में लोगों के साथ काम कर रहे हैं थोड़ा सा चीज़ों का आइडिया उनको मिल रहा है कि किस तरीके कार से सोशल मीडिया आप मैनेज करते हो किस तरीके कार से वर्किंग करते हो क्लाइंट को पिच कैसे करते हो उसको क्या रिजल्ट दिखाने और कैसे उसको रिजल्ट दिखाने होते हैं रिपोर्टिंग कैसे होती है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला जो फैक्टर होता है तो ये सारी चीजें हाथ के चल रही होती हैं तो आपको उसका एक्सपीरियंस भी मिलता है और साथ थोड़ी सी एक अमाउंट होती है ठीक है वो भी आपको मिल रही है कि जिससे आपका वर्किंग भी चल रहा है वालेकुम सर मैं मैं लेट जॉइन हुआ हुआ, हुआ माजरत के साथ सर क्लास का टाइम क्या होगा मोहम्मद uh, अकमल तो इतनी मुश्किल उर्दू आपने लिखी है क्लास डेली जो आपकी क्लास होगी ना यहाँ पे वो ग्यारह बजे से एक बजे तक होगी ठीक है और ये बीस दिन के सेशंस होंगे बीस दिन की लाइव क्लासेस होंगी उसके बाद क्वेश्चन आंसर और बीच में होगा और हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए दिन के टाइम भी वो आप लोगों के हिसाब से होगा कि अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो हम दिन के टाइम भी या उसके और भी चीज़ में कर सकते हैं सर तो यहाँ तो हर सेशन की इंडिविजुअल फीस है हाँ जी हर सेशन जो आपका है वो मैंने आपको बताया कि हर जो कोर्स है वो बेसिकली पंद्रह सौ रुपए का है अगर आप ई e कॉमर्स में आना चाहते हो तो ई e कॉमर्स का आपका एक कोर्स बनेगा अगर आप शॉपिफाई करना चाहते हो तो उसका सेपरेट कोर्स है ग्राफिक्स का अलग है एस uh, सी का अलग है शॉपिफाई का अलग है तो ये टोटल पाँच कोर्सेज हैं पर कोर्स पंद्रह सौ रुपीस है सर फाटा स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीट्स हैं रिजर्व सीट्स नहीं है सरकारी कोटा तो नहीं है Sir, me not wrong, these are Pandraso and you guide and step by step to share. No. If, uh, I'm not wrong, these are courses in fifteen hundred and you guide a step by step by sharing plan here, like every other element or each other. To for each and हाँ जी अब्दुल मोहित ये आपके जो बेसिकली पाँच कोर्सेज हैं ना इसमें से आपने कौन सा कोर्स लेना है ठीक आपने क्या पढ़ना है ओबियसली यार हर बंदा शायद ग्राफिक डिजाइनिंग ना, ना सीखना चाहिए हर बंदा एस ना सीखना चाहिए हर बंदा शोपीफाई आपने किस स्किल के ऊपर वर्किंग करनी है आपने कौन सा स्किल आ, सीखना है या पढ़ना है तो आप उस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हो अच्छा जी मुजम्मिल पूछ रहे हैं कि ई कॉमर्स में क्या कवर होगा ई कॉमर्स में आपकी जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेशन हैं वो वाली सारी चीज़ें कवरअप होंगी स्टार्टिंग विद आपके ई लोकल ई में तीन टाइप्स की लोकल ई e की जाती है आपका प्राइवेट लेवल होता है आपका वाइट लेवल होता है और ड्राप शिप है ठीक है नंबर वन ये चीजें कवर होंगी फिर आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है ई e कॉमर्स में ई e कॉमर्स के ऑपरेशन क्या है लॉजिस्टिक पार्ट क्या है पी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है ये सारी की सारी चीजें इनशाला आपके ई e कॉमर्स के पोर्शन में कवर होंगी और कोई क्वेश्चन कोई सवाल अगर आप लोग बोलना चाहो तो अपना माइक भी आप लोग अनम्यूट कर सकते हो If you want to speak, it's up to you. आपके पास ऑप्शन है अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अगर आप कोई बात करना चाहते हो तो हाँ जी आ... जो आपका ई e कॉमर्स का कोर्स होगा और आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है ये दोनों कोर्सेज मैं पढ़ाऊँगा ठीक है ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था मैं आपके साथ दोबारा एक दफ़ा शेयर कर देता हूँ अच्छा इसमें एक मिस्टेक है ई e पांच क्लासेस क्लासेज बेसिकली चार क्लासेस हैं वो मैं ठीक करवा के आपको तो भिजवा दूंगा जो तो आपके स्टार्टिंग है लोकली कॉमर्स e की चार क्लासेस होंगी पहली वो मैं करवाऊंगा और लास्ट आपकी फेसबुक मार्केटिंग की है वो डेट्स वगैरह डे सारी चीज़ें उसमें मैंशन है जो तो लास्ट क्लासेज वो मैं करवाऊंगा डेली रात को ग्यारह बजे आपकी क्लास होगी लाइव सेशन होगा यहीं पर और उस सेशन के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी और कोई क्वेश्चन अच्छा आ, इस पे ऑन बोर्ड कैसे होने है आप लोगों ने ठीक है आपको भी ग्रुप में एक बैंक अकाउंट और इजी पैसा की डिटेल अभी शेयर हो जाएगी आपने अगर एक कोर्स लेना है तो उसकी फीस पंद्रह सौ है अगर आपने दो कोर्सेज लेने हैं तो आपको पंद्रह सौ मल्टीप्लाई बाय दो जमा करवाना पड़ेगा अगर आपने तीन कोर्सेज लेने हैं तो पंद्रह सौ मल्टीप्लाई बाय तीन करवाना पड़ेगा और अगर आपने पाँच के पाँच कोर्सेज लेने हैं तो पंद्रह सौ मल्टीप्लाई बाय पाँच ये टॉप की टोटल फीस बनेगी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पाँच के पाँच कोर्सेज को बाय करो ताकि आप लोगों को एक पूरा इको सिस्टम का फायदा हो सके मैं लोकली कॉमर्स कर रहा हूँ मुझे स्टोर बनाना नहीं आता ठीक है तो मेरे लिए वो नॉलेज यूजेबल नहीं होगी ठीक है मुझे लोकली कॉमर्स सीख लिया मुझे स्टोर में शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट आ गया मुझे मार्केटिंग नहीं आती तो मैं उस चीज़ को एडवर्टाइज़ कैसे करूँगा ठीक है मैं अपने क्लाइंट की चीज़ों को कैसे बेचूँगा या मैं अपनी सर्विस को एडवर्टाइज़ कैसे करूँ ठीक है एस आपको मैंने इंपॉर्टेंस बताई यार एस की कितनी इंपॉर्टेंस है इस टाइम वो आई थिंक आप सबको ये सीखना चाहिए ठीक है एस में आप अपने सर्विसेज को रैंक कर सकते हो ठीक है मेरी एक छोटी सी वेबसाइट है जिसमें हम ये डिजिटल सर्विसेज और इस टाइप की चीज़ें काम करते हैं अब वो उसमें कुछ कीवर्ड्स पे रैंक है वो यू में तो हमें डेली के दस से पंद्रह क्वेरीज आती हैं बिजनेसिस की जो कि पूछते हैं हमसे मतलब हमें अप्रोच करते हैं हमारी सर्विसेज के लिए कि हमें डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए हमें शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट करनी है हमें ई कॉमर्स स्टार्ट करना है ठीक है तो वहाँ से हमें लीड्स आ रही हैं वहाँ से हमें बिज़नेस आ रहा है ठीक है वो कुछ कीवर्ड्स बस हमने रैंक करवाए थे उसके ऊपर थोड़ी सी इससे पे वर्किंग की थी ठीक है सो ये आपके सामने भी सारी चीज़ें हैं uh, अब आपने फीस जमा करवा के उसका जो स्क्रीन है वो व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देना है व्हाट्सएप uh, जिस नंबर से आप ग्रुप में एड और ग्रुप में आपको मैसेज आ रहे हैं और uh, आपके पांच कोर्सेज़ के अलग अलग पांच ग्रुप्स बन जाएंगे आपने जो अच्छा फीस जमा करवाने के बाद ना आपने अपना नाम और अपने कोर्स का नाम लाजमी लिखना है कि आप कौन से कोर्स में इनरोल होता तो क्या आपको उस प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लिया जाए ठीक है जिस जो कोर्स आप लोगों ने सीखना है ताकि आपको उसकी क्लासेस के लिंक और उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे मिल सके ठीक है तो क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो नहीं तो फिर हम सेशन गड करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपको मिल जाएगी असलम सर जी वालेकाम सर एक क्वेश्चन पूछना था कि uh, जैसे कि अगर एक कोर्स करना है तो स्टार्टली uh, अगर हम कोर्स के लिए इन करते हैं uh, तो वो कोर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं देन अगर मिसाल के तौर पर अगर हम सेकंड कोर्स करना चाहें तो उसके लिए समझ लें कि हम किस अंदाज कि से यानी कि दोबारा से फीस पे करके दोबारा से हम वो हमें कैसे पता चलेगा कि एक कोर्स हो गया और दूसरा कोर्स जारी होने लगे और उसके लिए हम दोबारा फीस करें और उसको ज्वाइन कर लें अगर स्टार्ट में पांच कोर्स पे फिल्फर्स नहीं भी लेते हम ए वन बाय वन लेते हैं कोर्स तो उसके वाले से जरा तरीका अगर बता दें देखिए ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है एक टाइम टेबल नजर आ रहे हैं आप लोगों को जी 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 बिल्कुल ठीक है अब आपकी कल होगी पहली क्लास ई-कॉमर्स e की फिर आपकी चार कंजेकটিভ डेज में ई-कॉमर्स e के सेशंस होंगे चार दिन ठीक है सही फिर पाँचवें दिन आपकी शॉपिफाई एफ ड्रॉप शिपिंग की क्लास हो जाएगी चार दिन आपके शॉपिफाई एफ ड्रॉप शिपिंग के सेशन होंगे फिर आपकी ग्राफिक स्टार्ट हो जाएगी चार दिन की उसकी कन्जेक्टिव क्लासेज हैं फिर आपकी एस सी ओ फिर आपकी डिजिटल मार्केटिंग ठीक है थेके? तो टोटल आपके पास यहाँ पे पाँच कोर्सेज हैं अब आपने लेट्स पोज लोकल ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को इनरोल कराया तो आपके पास जो क्लासेस के लिंक आएंगे वो पहले चार दिन की क्लासेज होंगी और फिर जो उनके आखिरी चार दिन हैं तीन uh, अप्रैल से छः अप्रैल तो उनके आपके पास लिंक्स uh, आएंगे उनके पास आप uh, उसकी जो क्लासेस के यूआरएल है हैं वो आपके पास आएंगे ठीक है तो आपने जिस जिस कोर्स में इनरोल uh, किया होगा आपको हम इसके पांच सेपरेट ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के आपको उन पाँच ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा और आपकी जिस दिन जिस को सी क्लास होगी उसका लिंक आपको उसके ग्रुप में मिल जाएगा और उसी ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी अगर आपने पांच कोर्सेज लिए हैं तो आप पांचों ग्रुप्स में ऐड हो जाओगे आपने तीन कोर्स लिए तो आप तीन ग्रुप्स में ऐड हो जाओगे ठीक है तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर ही सारी वो यूरल uh, और सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसके लिंक्स वगैरह जैसे आज आपको क्लास का लिंक मिला ग्रुप के अंदर तो इसी तरह आपको बाकी जो क्लासेस हैं आपकी जो आपने जिसमें इनरोल किया हुआ है उसकी क्लासेज के लिंक आपको मिल जाएंगे समझ गई

और जिस नंबर से आपको मैसेज आए ठीक है आज की क्लास का तो इसी नंबर से आपको बाकी सेशंस के भी है, बाकी वो कोऑर्डिनेशन के लिए वहीं पे सारी डि, आ, डिटेल्स मिल जाएंगे जी सर बेहतर बहुत शुक्रिया और भाई सलाम जी मोहित भाई कैसे हैं अल्लाह का शुक्र अच्छा भाई मुझे थोड़ा सा बताइएगा जिस तरह से कीजिएगा कि मेरा एक ब्रांड है ठीक है उसके पॉइंट से मुझे कौन से कोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि मुझे उनमें एनरोलमेंट जो है वो करवानी चाहिए मतलब प्रोडक्ट मेरे पास है मैं चेंज भी कर सकता हूँ अब उसको ऑफ कोर्स सेल करना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे तो उसके लिए व्हाट सूट्स बेटर ठीक है अह देखें जो पांच ये कोर्सेस है ना ये आपस में इंटरलिंक्ड है ठीक है बिकॉज़ कि आपने ई e कॉमर्स में अब आपको ई e कॉमर्स के जो कोर्स में सारी चीज़ें होंगी वो एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी वो आपको एक प्लानिंग की चीज़ें होंगी कि अगर आपको अपना ई e कॉमर्स स्टार्ट करना है तो आपने उसके प्लान कैसे बनाने होंगे उस, okay. उस, उसकी एग्जीक्यूशन पॉइंट्स क्या होंगे मतलब वो सारी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें okay. बट आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक सेपरेट कोर्स है आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए वो कोर्स खरीदना पड़ेगा अब लेट्स सपोज आपको डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी आती है या आप डिजिटल मार्केटिंग किसी और से करवा रहे हो ठीक है तो शायद तो आपको उस कोर्स की बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ठीक ठीक है लेकिन इनिशियली हमें लोकल कॉमर्स और शॉपिफाई ठीक है अब देखें आप आपकी नीड क्या है आपकी जरूरत क्या है आप आप कहते हो कि नहीं यार मुझे ना लोकली कॉमर्स नहीं सीखना मुझे फेसबुक मार्केटिंग नहीं सीखनी मुझे एस वगैरह नहीं सीखना ग्राफिक नहीं सीखना मुझे सिर्फ शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट सीखनी है ये सीख के मैंने इस सर्विस को बेचना है तो तो ठीक है मेरे पास अ, मेरे सर्कल में हजारों लोग हैं मेरे पास फाइबर अपवर्क है मेरे पास और डिफरेंट टूल्स हैं सॉफ्टवेयर हैं मुझे सिर्फ अपनी इस सर्विस को बेचना है आपकी जरूरत सिर्फ शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट को सीखने की है ठीक है आप कहते हो यार मुझे ई okay. कॉमर्स e का सिस्टम बिल्ड करना है पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो आपको डिफरेंट चीजों को सीखना पड़ेगा गॉट मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो ई e कॉमर्स है ई e कॉमर्स के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं ओके ठीक है आ, दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है ना वो है ए ट्रैफिक कंट्रोल दुनिया का सेकंड मुश्किल जो काम है ना वो है ई कॉमर्स ओके दुनिया का सबसे आसान काम किया वो भी ई कॉमर्स e ही है आसान क्या है एज कस्टमर के लिए आसान है मैं घर बैठा हूँ सोफे पे लेटा लेटाऊँ मोबाइल खोला वेबसाइट से ऑर्डर किया दो दिन बाद घंटी बजेगी और कोई आके मेरा ऑर्डर डिलीवर कर देगा मेरे लिए सबसे आसान काम है मुश्किल काम किसके लिए जिसने उसको फुलफिल करना है जिसने उसको डिलीवर करना है सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट हंटिंग आपकी सोर्सिंग आपका सप्लाई चेन प्रोडक्ट कहाँ से आएगी उसकी प्राइसिंग क्या होगी कॉस्ट प्राइस क्या पड़ रही है किस वेराउस में पड़ी हुई है कितनी क्वांटिटी है उसकी शॉर्टिंग करके आपने एक सप्लाई चेन पूरा सिस्टम बना दिया देखे इसके देखे बाद सेकंड नंबर पर आगे आप उसकी फ़ोटोग्राफ़ी और उसकी तस्वीरें खींचनी है कंटेंट क्रिएशन करनी है ग्राफिक्स बनाने हैं शॉपिफाई स्टोर बनाना है शॉपिफाई पे अपलोड करना है उसके बाद फिर उसकी मार्केटिंग करनी है फिर आपके पास जिस टाइम ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर को पैक करना है ऑर्डर कन्फर्मेशन करनी है पिक एंड पैक करना है उसके बाद उसको लॉजिस्टिक्स के हवाले करना है टोटल आपके बन जाते हैं सात डिपार्टमेंट किसी एक डिपार्टमेंट को ब्रेक कर दो बीच में से आपका पूरा चेन ब्रेक हो जाएगा सही आप प्रोडक्ट ले आए तस्वीरें भी खेच ली कॉन्टेंट भी क्रिएट कर ले शॉपिफाई पे अपलोड ही नहीं किया वो क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा कभी ऑर्डर आ गया आप उसको डिस्पैच ही नहीं करते हो क्या उसके पैसे आएंगे आपके पास सही तो ये आपके पूरी एक यू uh, नो you know, आपस में चीजें इंटरलिंक है तो इन तमाम चीजों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए स्टोर डेवलपमेंट में मेरे पास क्या क्या हर्डल्स हैं क्या क्या आसानियाँ हैं जल्दी या है, कितना मुश्किल या कितनी देर से अपने स्टोर को डेवलप कर सकता हूँ आपको बताया ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि शायद उसकी लर्निंग कभी नहीं खत्म होती ऐसे, ऐसे, मेरा, मेरा करियर स्टार्ट हुआ था मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग से स्टार्ट किया था मैंने मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने का शौक था मैंने कुछ तीन चार साल सीखी भी मैंने कुछ चार पाँच साल ग्रा, एज अ ग्राफिक डिजाइनर जॉब भी की nice. ठीक है okay. तो वो अभी तक बहुत सारी चीजें वो शॉर्ट वीडियोस चल रही होती हैं फेसबुक के ऊपर रील्स के ऊपर दोस्तों वो छोटे छोटे टूल्स हैं बहुत सारी हजारों चीजें ऐसी जो कि अभी तक हम हम लोगों को नहीं आती ठीक है तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने की ना वो कभी ना खत्म होने वाली फील्ड है मेरे ख्याल से तो हमें इतनी ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए कि यार हम लोग अपनी, आ, किसी प्रोडक्ट की रिसाइज कर सकें उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सके उसके लिखना है, अपने के लिए, लिए क्योंकि आप किसी भी चीज को एडवर्टाइज कर रहे हो ना आप सर्विस भी बेच रहे हो लेट सपोज वही केस की मुझे सिर्फ शॉपिफाई की सर्विस को बेचना है तो यार उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ बैनर तो बनाना पड़ेगा ठीक है ढेर चीज़ आ जाती है एडवरटाइजमेंट के ऊपर अगर आप सर्विस बेच रहे हो अगर आपने सिर्फ शॉपिफाई की सर्विस ही बेचनी है तो आपको उसको कहीं ना कहीं एडवर्टाइज तो करना पड़ेगा ठीक है उसको कहीं ना कहीं मार्केट तो करना पड़ेगा तो ये जो चार पांच कोर्सेज हैं ये आपस में इस तरीके का सेंटर लिंक है कि ये एक दूसरे की वैल्यू को बढ़ाते हैं ठीक है आपको मल्टीपल जगह से फायदा होता है मेरे पास इस टाइम मोर देन सेवेंटी uh, क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि मेरे पास सिर्फ एस के लिए आए बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मेरे पास सिर्फ शॉपिफाई स्टोर मेंटेनेंस के लिए है। जी हमारा ऑलरेडी एक स्टोर बना हुआ है इसको हमें मेंटेन करना है इसको हमें अपडेट करना है इसके ऊपर हमें ये चीज़ें ऐड करवानी है ठीक है अब वो मेरे पास किसी भी बहाने से आते हैं मैं उनको अपनी फेसबुक मार्केटिंग भी बेचता हूँ मैं उनको एस भी बेचता हूँ मैं उनको कंटेंट क्रिएशन भी बेचता हूँ मैं अभी आ, एक स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ स्पेशली जो आपके पाकिस्तान में फैशन ब्रांड्स हैं उनके लिए ठीक उनको okay. उनको हम फोटोग्राफी और वो सर्विसेज भी दें ठीक है तो क्लाइंट आपके पास एक छोटे से काम के लिए आ रहा है अभी आपकी स्किल्स हैं कि आप उसको हर चीज के लिए घेरो आप उसको ओ भी बेचो आप उसको ग्राफिक्स भी बेचो आप उसको वीडियो सर्विसेज भी बेचो ठीक है बिल्कुल ठीक बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे लाहौर में जो फैशन ब्रांड्स छोटे जिनको हम टीयर थ्री या टीयर फोर के फैशन ब्रांड्स कह सकते हैं वो कहते हैं हम लोग ना स्टिल इमेज शूट कराते हैं हम लोग वीडियो शूट नहीं करवाते बिल्कुल ठीक ठीक है क्योंकि वो उसके इक्विपमेंट्स और वो सारी चीजें उनके लिए मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता ठीक है तो हम उनको अब ये सर्विस देने जा रहे हैं कि हम आपको वो छोटी छोटी रील्स या जो टी वी सी या जो डी वी सी बनते हैं वो हम आपको एक सस्ती कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे ठीक है right. बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इस, इस शूट वाले कॉन्सेप्ट को वो नहीं कर सकते उनके पास अभी भी हैंगर में कपड़े टांग के वो लोग शूट करवा हैं तो कॉस्टली बड़ा पड़ता है आई सो इनको

क्लिक uh, एक छोटी सी अमाउंट चार्ज करेंगे अब वो हमारे लिए सूटेबल कैसे है यार हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स हैं इस चीज के ठीक है खैर कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको कहने का मतलब है कि यार आपके पास एक क्लाइंट किसी एक काम के लिए आता है ना ठीक है अब आपके पास डिफरेंट चीजों की नॉलेज है तो आप उसको डिफरेंट चीजें बेच सकते हो ठीक है पाकिस्तान का एक ब्रांड uh, मेरे पास आया था कुछ टाइम पहले और उन्होंने जस्ट अपने जो वेबसाइट के ऊपर बैनर्स और नेविगेशन थी ना ओके उसको डिस्कस करने के लिए जी हमें ये बैनर्स ऐसे लग रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए आप सिर्फ हमें इस इस चीज़ के ऊपर गाइड कर दो ठीक है उन्होंने मुझे आधे घंटे के लिए एक लाइव सेशन के लिए पे किया ये सिर्फ आधे घंटे के साथ हम आप हमारे साथ सेशन करो और हमें बता दो हमारी वेबसाइट ऐसी है अच्छी है बुरी है क्या चेंजेस इसमें होने चाहिए ठीक अब आज को तीसरा साल है मैं उनकी मार्केटिंग भी कर रहा हूँ मैं उनकी वेबसाइट मैनेज भी कर रहा हूँ मैं उनको कंटेंट ग्राफिक्स ठीक है ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें मैं उनको सर्विस दे रहा हूँ मतलब से। एक आपने आके हमें ये बता देना कि जिस तरह आपने अभी बात की आपका अपना ब्रांड आपकी अपनी वेबसाइट है आप मुझे कहते हो कि जी आप सिरा मेरी वेबसाइट देख के बताओ यार ये ठीक है ये ठीक नहीं है ठीक है बिल्कुल तो ठीक है अब सही मेरा है? मेरा तो ये काम है ना मैंने तो इस चीज़ के पैसे लेने हैं तो ठीक तो है तो मैं वो यार ये इतने इतने मेरे चार्जेस होंगे ये सारी चीज़ें होंगी ठीक है सारा कुछ हो गया पैसे आ गए सेशन में बैठ गए यार ये ठीक ठीक ये चीज़ ठीक है ये ठीक नहीं है दस से पंद्रह मिनट उस चीज़ पे तो गुजरे बाकी यार ये चीज़ें ठीक है आपकी मार्केटिंग के क्या हालात है मुझे नहीं लग रहा आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है मुझे नहीं लग रहा आपकी सेल्स को बहुत अच्छी आ रही है मैंने आपको सोशल मीडिया देखा वो बड़ा ही बेकार चल रहा है अच्छा यार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना यार आपकी सेल्स तो बहुत दूर है आपकी सेल्स ना मेरे ख्याल से अः इस टाइम लाख पर डे भी होगी पर मेरे ख्याल से वो दस लाख पर डे पे होनी चाहिए बिल्कुल वो जी कैसे आएंगे अब वो लालच क्रिएट होगी ना कान खड़े होगे गए <laughs> उसके बाद सर्विसेज आप बाय करें आ, आ, आप आप सर्विसेज बाय करो जी और आप ये ये सारी चीजें तो ये ये सारी चीजें आप आप उस टाइम बेच सकते हो जब आपके पास उस प्रोडक्ट का नॉलेज होता है ठीक है Uh, एक मार्केटिंग में बहुत ही मशहूर जुमला है सेल में दिस पेन या yeah. ठीक है हम, हम सबने सुना होगा या डिफरेंट वीडियोस भी हैं डिफरेंट है पॉंटेक्स, पॉंटेक्स पी इसके, इसके पीछे की जो साइंस है ना इसके पीछे का जो एक कॉन्सेप्ट वर्किंग है वो आपको दो चीजों की तरफ इंडिकेट करता है दो चीजों की को सोचने पे आपको मजबूर करता है ठीक है आपने जिस टाइम वो पेन बेचना है ठीक है आपको पेन की खसूसियत का नहीं पता आप उसको नहीं बेच सकते हो थीके? अब बहुत सारी मूवीज के अंदर भी हॉलीवुड की बॉलीवुड की मूवीज में भी आ, ये ये इस इस चीज को हाईलाइट किया इस कॉन्सेप्ट को वो दिखाई सेल में दिस पेन या सेल में दिस कॉफी या इस तरह की चीज़ ठीक है थीके? तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके स्किल्स दूसरी चीज है कि आप किसको बेच रहे हो उसकी नॉलेज अब आपका कस्टमर आपका क्लाइंट क्या है उसकी प्रोफाइल क्या है वो किस मूड में बैठा हुआ है वो किस माइंडसेट से बैठा हुआ है उसकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है क्या है उसके बाइंग बिहेवियर्स क्या हैं इस चीज को एनालाइज करना देन आपके अपने स्किल्स उस चीज को बेचना हुआ. ये तो इस सेल में दिस सेल में दिस दिस पेन या कॉफी इसका बेसिकली ये दो चीजों के ऊपर है सबसे पहले आपके अपने स्किल्स क्या मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स स्टूडेंट्स uh, हैं वो प्रोफेशनल uh, डॉक्टर्स हैं प्रैक्टिसिंग okay. डॉक्टर्स हैं कुछ इधर लाहौर के हैं कुछ कराची के हैं कुछ इस्लामाबाद के हैं तीन चार उधर दुबई में बैठे हुए हैं वो इस टाइम अपनी क्लिनिक्स चला रहे हैं देखिए दुबई में दो बड़े मशहूर डेंटिस्ट हैं वो दोनों स्टूडेंट भी हैं और क्लाइंट भी हैं वो मेरे कोर्सेज वन टू वन सेशन मुझसे बाय करते हैं मैं उनको वर्किंग भी करके देता हूँ फिर उनकी कुछ अपनी वर्किंग होती है वो मुझसे मेरी टीम से करवाते हैं तो उस डॉक्टर के लिए अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करना कितना ज़रूरी है उसने डॉक्टरी सीखी उसने चार साल पढ़े वो डेंटिस्ट बना वो सारी चीजें की फिर वो आगे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए ठीक उसको अपने आप को भी तो बेचना है ऐसे ही तो आजकल के दौर में खासकर आपके इस सेशन में अभी दस मिनट पहले आ, सेशन स्टार्ट होने से आ, बीस मिनट पहले मेरी उनके साथ बात हुई थी तो उनको मैंने सेशन का लिंक भेजा था वो आपके पाकिस्तान के बहुत बड़े बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है तो वो इस सेशन में अभी बैठे हुए मेरी उनसे आधे घंटे पहले डिस्कशन हुई थी बातचीत हो रही थी उनके साथ उनको अपनी प्रोफाइल को सोशल मीडिया के ऊपर लेके आना है उनका बैंकिंग का उनके प्रोफाइल का नहीं सर मैं नाम नहीं ले रहा आ, उन, उनकी बिल्कुल सेपरेट चीजें उनका कोई ताल्लुक नहीं है सोशल मीडिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं है डिजिटल मार्केटिंग से उनका कोई तालुक नहीं है कॉमर्स e से उनको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है अपने सोशल मीडिया को कैसे प्रमोट करूं मैं अपने आप को कैसे हाईलाइट तो ये ये चीजें ना आपस में इस तरीके कार्ड से है इस तरीके कार्ड से आपस में जुड़ी होती है सो आई थिंक मैंने आपको कोर्सेज भी बता दिए उनकी आउटलाइन उनकी चीज़ें भी बता दी उनकी वर्किंग भी बता दी ठीक है आपको ग्रुप में भी बैंक डिटेल्स और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको जो जो कौन कौन सा कोर्स बाय करना है आप उसकी फीस पे करके उसी टेलीनॉर वाले नंबर के ऊपर आप लोग स्क्रीन शॉट मैसेज कर देना और आपने जो कोर्स बाय करने है उसके नाम सेंड कर देना ताकि आपको उसके रेलिवेंट ग्रुप के अंदर एड कर लिया जाए

आपके जो चार सेशंस हो रहे हैं ई e कॉमर्स के तो उस उन चार सेशंस में आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी क्या क्या चीजें वो होंगी अब ई e कॉमर्स में आप स्कोप ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान ई कॉमर्स के कौन कौन से मॉडल्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग और उनकी इंटीग्रेशन या आप ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम कर रहे हो पी के ऊपर कर रहे हो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कि आपने इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है आपने उनकी फाइनेंशियल्स को मैनेज कैसे करना होता है ठीक है उसके बाद आपका ड्रॉप शिपिंग है कि ड्रॉप शिपिंग की स्टोर डेवलपमेंट है इसमें थीम कस्टमाइजेशन होती है आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कलेक्शन क्रिएशन स्टोर का लेआउट फ्रंट साइड बैक एंड वो चीज़ें और इन ये तीन सेशन बाद चार सेशन बाद आपका स्टोर लाइव हो जाता है ठीक है हमारे इस शॉपिफाई स्टोर के जितने भी इस बैच में होंगे चौथे दिन जो आपकी लास्ट क्लास होगी उस दिन इंशाल्लाह आपका स्टोर लाइव होगा चौथे दिन आपका स्टोर लाइव नहीं हुआ तो आप मुझे पीस के जो पैसे दिए वो डबल करके वापस ले लेंगे फिर आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ठीक है ग्राफिक डिजाइनिंग की कंटेंट कॉन्टेंट क्रिए आउटलाइन में क्या चीज़ें हो सकती हैं कि यार हमने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग कभी कंप्लीट कोई भी नहीं सीख सकता ठीक है इमरान दीना साहब हैं आपके

सोशल uh, मीडिया की पोस्ट को क्रिएट कर सकें हम उसमें टेक्स्ट डाल सकें हम उसमें छोटी मोटी एडिटिंग कर सकें ठीक है ये एट लीस्ट हमें एक पॉइंट uh, मिल जाए कि जिसको हम सर्च कर सकते हो अच्छा आई हैव ए क्वेश्चन ग्राफिक डिजाइनिंग में हम ए आई भी सीखेंगे ए आई डिजाइन क्योंकि नेक्स्ट जो जनरेशन है ए आई की uh, यार देखें uh, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम आपको फोटोशॉप सिखाएं ठीक है क्योंकि आपका जो बेस है आपका जो कोर है ना वो आपका फोटोशॉप है अब आपकी जितने भी ए आई टूल्स या वो सब चीजें क्रिएट हो रही है ना वो आपके बेसिक से ही क्रिएट हो रही है ठीक okay. है अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यार मुझे एक प्रोडक्ट की ये सिलेक्शन करनी है फोटोशॉप के ऊपर जाके और मुझे वो सिलेक्शन नहीं हो रही है पहला फ़ेज़ मेरा यार मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे फोटोशॉप के किसी टूल या किसी आ, आ, उसकी वर्किंग का आइडिया नहीं है ठीक है अब मैंने एक सेशन लिया मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया अच्छा यार इसको ऐसे सिलेक्शन करते हैं या कुछ सिलेक्शन टूल यूज़ होता है अब मैं यूट्यूब के ऊपर जाके डायरेक्टली वो सिलेख सकता हूँ कि यार मुझे इस चीज़ की सिलेक्शन करनी है सिलेक्शन टूल को यूज़ करें यूज यूटिलाइज़ करें तो वो कैसे उसका ट्यूटोरियल क्या होगा ठीक है तो हमें बहुत सारी चीजों को सर्च करना या रिसर्च करना नहीं आता क्योंकि हमें एक्चुअल में पता नहीं है हमें करना क्या यूट्यूब के ऊपर कितना डेटा होगा यूट्यूब खुद कहता है कि टेटोरियल्स जो आपकी वीडियो टेटोरियल होते हैं ना फोर्टी परसेंट मेरे पास जितना डेटा पड़ा हुआ है ना उसका फोर्टी परसेंट डेटा ट्यूटोरियल्स का अभी आप जाके लिखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का किसी एक टूल का नाम लिखो हाउ टू यूज मूव टूल इन फोटोशॉप इतनी वीडियोस आपको इस एक टूल के ऊपर मिल जाएंगे ना दुनिया की हर जुबान में जिंदगी ख़त्म हो जाएगी वीडियोस ख़त्म नहीं होंगी बट अगर मुझे उस मूव टूल का पता ही नहीं है तो मैं जाके सर्च क्या करूंगा कुछ भी नहीं मुझे उस एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं सर्च या रिसर्च क्या करूँगा उसके ऊपर तो so, हम लोग कोशिश ही करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन में आपको फोटोशॉप ही कहें कैनवा की एक सेशन uh, में कैनवा के ऊपर भी डिस्कशन होगी बट देखें कैनवा के ऊपर भी जो सारी वर्किंग या कॉन्सेप्ट जो ए के ऊपर वर्किंग हो रही है वो सारी आपके उस बेसिक उस आपके uh, जो बेस है उसी के रेलिवेंट क्रिएट होती है अच्छा ए के ऊपर ना इस टाइम जो दुनिया में ये चल रही है मेरे कुछ कंसर्नस हैं उसके ऊपर अभी उसके ऊपर बात आ गई आपके पास इस टाइम जो दुनिया में ए चल रही है ना ये ए नहीं है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है ये आपके फिल्टर्स और पैरामीटर्स कैनवा ए नहीं करता चैट जी टी नहीं करता आपके इमेज क्रिएशन ये जो बिंग के ऊपर इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं ये ए आई नहीं है ये फिल्टर्स और पैरामीटर्स हैं ठीक है ठीके? ये आपके आ, अब ये देखो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये सिलेक्ट हो गया मैंने इसका नाम दे दिया और ये ए आई है बट ये ए आई नहीं है ये इसकी फंक्शनैलिटी है कि ये पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे एड ऑन किए हुए हैं कि जब मैं इसको क्लिक करके और क्लिक किए रखूंगा उसको मैं होल्ड करूँगा और मैं ड्रैग करूँगा तो ये सिलेक्शन हो जाएगी ये पैरामीटर्स हैं चैट जीडीपी पे छः साल सात साल तक उस पर ये सारे पैरामीटर्स डाले गए कि अगर कोई बंदा ये सवाल करेगा तो उसको ये जवाब ये जवाब ये जवाब तो एक क्वेश्चन के ऊपर को हज़ारों किस्म के पैरामीटर्स और एल्गोरिदम्स डिफ़ाइन किए गए एआई का मतलब एआई का कॉन्सेप्ट क्या है मशीन सोचे इंसान की तरह ये है बेसिकली एआई आई आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को क्या ऐसा लगता है या थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं आप कुछ सोचते हो और वो आपको फेसबुक पे नजर आता है क्या कभी ये आपके साथ ऐसा हुआ कि आप कुछ सोच रहे हो और वो आपको फेसबुक के ऊपर नजर आता है ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम ओके ठीक है मैं किसी से को बात कर रहा हूं ठीक है और uh, मुझे वो फेसबुक के ऊपर वही चीज नजर आई और मुझे फिर ये फील हुआ कि यार फेसबुक ना मेरे मोबाइल के कैमरे से मुझे देख रहा है और मेरे माइक से मुझे सुन रहा है और मैंने जो बात की मुझे उसी चीज का ऐड दिखा दिया उसमें तो क्या फेसबुक मुझे मोबाइल से कैमरे को एक्सेस करके मुझे देख रहा है या मेरे आ, माइक कैमरे के माइक को एक्सेस करके मेरी बातें सुन रहा है मैंने आज भी एक रील देखी थी बड़े एक मशहूर हमारे पाकिस्तान में भाई भाई ही हमारे यार तो उन्होंने एक पॉडकास्ट पर बात बोली थी कि वो फेसबुक कैमरा हमारा देख रहा है और माइक से सुन रहा है और ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है फेसबुक हम लोगों में जो इंटरेस्ट है उसका वो ज़ीरो है तो फेसबुक हमारी अम्मी नहीं है जो कि हम पे नज़र रखे कि यार मेरे बेटे ने खाना खा लिया या इसने क्या पहना हुआ है ये कहाँ पे है क्या कर रहा है किसके साथ है ये अच्छे बच्चों के साथ फिर रहे गंदे बच्चों के साथ फिर रहे फेसबुक को हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं हम क्या कर रहे हैं हम कहाँ घूम रहे, रहे हैं हम क्या खा रहे हैं हम क्या खरीद रहे हैं किसी की है, कोई फेसबुक को जो इंटरेस्ट है ना वो सिर्फ इस एक चीज में है कि हमारे थिंकिंग पैटर्न्स के हम क्या सोच रहे हैं इस चीज में फेसबुक को इंटरेस्ट ठीक है अब आपको जो एड नज़र आता है ठीक है आपने कहा यार मैं एक चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे वही चीज़ नज़र आ गई फेसबुक इस लेवल तक आपके दिमाग के अंदर घुसना चाहता है अब वो कैसे घुसता है वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है उस एक्सपेरिमेंट के लिए वो आपकी डेटा कलेक्शन करता है डेटा कलेक्शन आपके कैमरे को एक्सेस करके आपके माइक की बातें आपके सुन के वो नहीं होती या नहीं हो सकती ठीक है वो लॉजिकल भी पॉसिबल नहीं है मेरे को एक अरब फेसबुक यूजर तो होगा ना दुनिया में उस एक अरब लोगों की बातें सुनने के लिए तो मुझे कम से कम एक अरब बंदा तो हायर करना पड़ेगा हर बंदे के पीछे एक बंदे को लगा दिया फिर दिन में तीन शिफ्ट लगानी पड़ेंगी तो तीन अरब लोगों की तो नौकरी लगी फेसबुक की दुनिया के तो जो आपके मसले और पैसे कमाने के, के मसले हल हो जाएंगे फेसबुक के ऊपर आप एक्सप्रेस करते हो अब वो एक्सप्रेस कुछ लिख के हो सकता है वो एक्सप्रेस किसी एक्शन की बेस के ऊपर हो सकता है ठीक है वो पीछे डेटा कलेक्शन हो रही है से पैरामीटर्स हैं ए नहीं है वो भी पैरामीटर्स हैं कि यार ये बंदा बॉलीवुड के सॉन्ग जिसको नजर आते हैं ना तो ये उस पर लाइक करता है कमेंट करता है ये उस वीडियो को देखता है जिसको मैं कोई इस्लामिक चीज़ दिखाता हूँ तो ये इसको स्किप कर देता है उस वीडियो को नहीं देखता तो इसका इंटरेस्ट कहाँ पे है या ये सिर्फ इस्लामिक चीज़ों को देखता है ये आ, गाने आए तो तबा तो बिल्ला उस करके उसको स्किप कर देता है आपका इंटरेस्ट लेवल कहाँ पर डिवेलप हो रहा है मैं कोई छोटी सी एग्जाम्पल दूँ कि मैंने एक ब्रांड के कुछ डाटा को स्टडी किया अब मुझे उस स्टडी के बाद ये आ, एक रिपोर्ट छोटी सी इस इस चीज़ के ऊपर बनाई कि कराची में और लाहौर में कौन से लोग किस तरह के ड्रेसेस को बाय करते हैं ठीक है ये मैंने अपने लिए एक नॉलेज के लिए एक एक दो ब्रांड्स का डाटा लिया और उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू की एंड रिजल्ट ये था कि ग्रीन कलर के कपड़े कराची की फीमेल ज़्यादा खरीदती हैं और आ, ब्लू कलर के कपड़े लाहौर के लोग ज़्यादा खरीद रहे, रहे हैं फीमेल ज़्यादा खरीद रही हैं ठीक okay. है अब ये सिर्फ उन दो ब्रांड्स का डाटा था ये शायद सब ब्रांड्स पे ऐसा लागू ना हो या सबके पास ऐसा ना हो बट उन दो ब्रांड्स का ये डाटा मुझे मिला यार ग्रीन या ग्रीनिश टाइप कलर जो हैं वो कराची से ज्यादा खरीदे जा रहे हैं अब मैंने क्या उसके ऊपर एक्शन किया कि मैंने डिफरेंट अपनी कंपेन सेटअप कर ली कि कराची में सिर्फ ग्रीन ही कपड़े लोगों को देखेंगे क्योंकि वहां की सेल ज्यादा आ रही है पिछले तीन महीनों में लाहौर में यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा सेल आ रही है तो यहाँ पे इस तरह के कपड़े दिखाए जाएं अब इसको मैं ए का नाम भी दे सकता हूँ बट ये बेसिकली ए नहीं नहीं ये आपके पैरामीटर्स हैं ये आपकी एल्गोरिथम से। अच्छा जो फेसबुक की हम बात कर रहे थे फेसबुक आपके ऊपर दिन में तीन हजार एक्सपेरिमेंट्स करता है एक यूज़र के ऊपर ऑन एवरेज ठीक है उसका जो सक्सेस रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो पॉइंट फाइव परसेंट होता है ठीक है अब जीरो पॉइंट फाइव परसेंट कितना बन गया तीन हज़ार का वो कैलकुलेट कर लो इतनी दफा और इतनी दफ़ा वो एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है और बाकी दफ़ा फेल होता हैदर आप मुझे मैसेज करना अलग से मैं आपसे बात करता हूँ खैर हम थोड़ा सा आगे पीछे ड्रह हो गए तो ये इंशाल्लाह हम डिटेल में सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे सो so, ये आपके जो आउटलाइन वगैरह और वो सारी चीज़ें आ रही हैं ये आप वेबसाइट पे देख सकते हो और इसके अलावा आप मैंने आपको तरीके बता दिया कैसे आपने इस पर साइनअप होना है किस तरह आर से आपने आ, अपने आप को इन करवाना है तो पहला सेशन होगा वो होगा इन कल रात ग्यारह बजे ठीक तो है इसी जगह पे जगह चेंज करेंगे हम किसी अच्छी जगह पे बैठेंगे और ग्यारह बजे से एक बजे तक दो घंटे कंटिन्यूसली हम लोग करेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपको मिल जाएगी कोशिश करना कि आप लाइव आ जाना सेशन में यार रमजान में वैसे ही हमें थोड़ी सी ना जागने की आदत हो जाती है और दूसरा हम जो सीख रहे हैं काम ये भी एक इबादत के काम है पढ़ाई लिखाई वाले काम भी और वो स्किल्स सीखना जिससे आपकी अर्निंग हो या आप उस अर्निंग से अपने घर वालों का या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हो वो इल्म सीखना वैसे इन सारा इन भी इबादत है बट ये ज़्यादा इबादत है ठीक है इस इसका इस इल्म सीखने का सवाब भी ज़्यादा होता है क्योंकि आप ये स्किल बेस इल्म कहते हैं स्किल सेट कहते हैं इसकी बेस के ऊपर आप अर्निंग कर रहे हो ठीक है आपने अब मैट्रिक में वो थ्योरम्स पढ़े थे क्या वो ज़िंदगी में अब थ्योरम्स आपके काम आ रहे हैं मुझसे तो आज तक किसी ने पूछा यार अल्फा और बीटा का वो पाई स्क्वायर निकालो और ये चीज़ें करो ठीक है तो खैर वो एक नॉलेजेबल या उन चीज़ों के लिए वो उस टाइम में इम्पॉर्टेंट थे बट ये जो स्किल्स हैं ठीक है ठीके? ये आपकी डायरेक्ट अर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट होते हैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस टाइम मार्केट में जॉब कर रहे हैं अच्छी के हैं। वो है, वो e पोजिशन के ऊपर हैं इवन मेरे एक स्टूडेंट अभी रिसेंटली दुबई मूव हुआ है वो ई कॉमर्स डायरेक्टर की पोजीशन के ऊपर गया है के और दो, दो सवा दो मिलियन सैलरी के ऊपर ठीक है सो ये स्किल्स आपको आपकी डायरेक्ट इनकम के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं तो आई थिंक इनको सीखना भी एक सो आपका काम है खैर हम इन फिर रहा करेंगे वैसे भी टाइम बचे रील्स देखते हैं रमजान में देखने के लिए <laughs> सही है जी ओरल कोर्स की फीस 1500 यार कोर्स की फीस 1500 यार ये रिकॉर्डिंग आप इसकी हाफिज साहब देख लेना आप कहीं वो ऑफिस तो नहीं है और हाफिज अहमद स्टार्टिंग दो नाम तो आपके मैच कर रहे हैं फिर वो भी अच्छा बंदा है यार ये सर पर कोर्स 1500 फीस है भाई सर मेरा एक क्वेश्चन है जी जी प्लीज uh, सर एक क्वेश्चन ये है कि इसमें मल्टीपल स्किल्स आप सिखा रहे हैं तो अब मल्टीपल जो स्किल्स हैं अगर कहते हैं कि हमें किसी एक स्किल्स के ऊपर जो है ना वो फोकस करना चाहिए हम किसी एक के माहिर हो जाएं तो बेहतर है जब ये सीखेंगे, तो क्या ये आपस में, uh, या uh, इस तरह की चीजें हैं तो क्या ये हमें तमाम स्किल्स ही सीखना पड़ेंगी एक लेवल तक पहुँचने के लिए इसके वाले से आप क्या रिकमेंडेशन है क्या आपका uh, की जो एक्सपीरियंसिस हैं थोड़ा सा uh, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहिए तो मेहरबानी होगी आपकी सर अच्छा यार मैंने आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता देता मैंने ना एक गोरे का कोर्स किया और उसका जो लुबे था वो ये था कि आप अगर आप अगर एक स्किल सीख रहे हो तो उसके साथ जितनी कनेक्टिंग चीजें हैं ना उस स्किल के साथ जो कि उस आपकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हैं अब वो भी सीखो अब उसने एग्जाम्पल दी कि यार आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए जी पढ़ने का क्या ताल्लुक है ड्राइविंग से उसने तो बोला जो साइन बोर्ड लगे होते हैं वो ही नहीं सकोगे ठीक है तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए उससे आपके ड्राइविंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे ठीक है भी एक एग्जाम्पल के तौर पर बात थी तो मैंने आपके बात की कि आपके कुछ कोर्सेज हैं जो कुछ स्किल्स हैं जो कि आपस में इंटरलिंक होते हैं ठीक है वो आपस में एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ठीक है और एग्जाम्पल मैंने आपको ये भी बताया था कि यार आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है और आपने सिर्फ शॉपिफाई डेवेलपमेंट सीखी है आपके पास एक क्लाइंट आता है और मुझे सिर्फ शॉपिफाई की डेवलपमेंट आपसे करवानी है तो आप उसको एडिशनली ठीक है अप सेल कर सकते हो कि ठीक है जी शॉपिफाई डेवलपमेंट तो चल रही है मैं आपको ना साथ एस भी दे देता हूँ मुझे एस भी आती है मैं आपको एस भी करके दे देता हूँ जैसे अगर आप मुझसे अलग से एस करवाओगे तो मैं पचास हज़ार चार्ज करूँगा आप इस डेवलपमेंट भी करवा रहे हो सारी चीज़ें आपके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक क्या प्यारे भाई हो हमारे मैं आपको दस हज़ार में एस सी ओ भी कर दूँ ठीक है अब उसने आपसे स्टोर बनवा लिया सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं ओके हो गया कुछ टाइम बाद करो यार आपने स्टोर तो बनवा लिया आपके पास सेल्स वगैरह का क्या ट्रेंड है मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ मैं आपको ना सेल्स भी जनरेट करके देता हूँ मैं आपको ग्राफिक्स भी बना के देता हूँ मैं, आपने स्टोर मुझे बनाया मैं स्टोर की मेंटेनेंस भी कर देता मैं आपको एक कॉमर्स e का पूरा स्ट्रक्चर भी बना के देता हूँ आप जो अच्छा। तो चीज कर रहे हो अब अच्छा। आप, अच्छा। के लिए जाते हो ठीक है तो आप एक स्किल जो आपको रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए आप एडिशनल स्किल्स भी अपने एड ऑन करते हो तो आप स्ट्रॉगेस्ट कैंडिडेट बन जाते हो यार इस बंदे को हायर कर लेते हैं इसको एस के साथ डिजिटल मार्केटिंग भी आती है इसको ग्राफिक्स भी आते हैं इसको शॉपिफाई भी आती है तो ये एक ही पैसों में ना हमें को दस लोगों का फायदा होगा तो ये आपके स्किल्स बेसिकली आपको ही फायदा पहुंचा रहे हैं ने किसी न किसी एंड के ऊपर

कि बाद में आप उसको नहीं आपने बोला था मुझे जॉब दो अब आप जॉब दो ठीक है ऐसे ऐसे कुछ कमिटमेंट नहीं होती है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं अब यार ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट बैरी भी करते हैं मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि मेरे साथ काफ़ी टाइम से अटैच हैं मेरे दूसरे तीसरे जो फिजिकल बैच था वहाँ पर आए थे अब वो मेरे ऑफिस में अपने क्लाइंट लेके आते हैं ना तो वो मेरे ऑफिस में बैठे हैं मेरे टेबल पर बैठे हुए हैं और वो मुझसे भी काम करवा रहे हैं और मैं उनके क्लाइंट के सामने उनका टीम मेंबर बन के जा रहा हूँ हाँ जी मैं जी मार्केटिंग करता हूँ ये हमारे बॉस है वो इस लेवल तक भी मैं उनक, उनके लिए करता हूँ ठीक है उनके क्लाइंट के साथ मीटिंग्स वगैरह करनी है तो वो मैं भी अपने एंड से जो मैं मतलब कर सकता हूँ मैक्सिमम जॉब प्लेसमेंट में मैं उनकी हेल्प आउट कर सकता हूँ ठीक है अब ये सब के लिए कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है मैं सबके लिए हेल्प करूँगा या सबको मैं जॉब ऑब्वियसली अगर आप इस काबिल हो या आपको मैं कहीं रेफर कर सकता हूँ तो मैं वो ज़रूर करूँगा मेरे अपने एंड के ऊपर जो होती है मैंने सेशन के शुरू में आप लोगों को बताया था शायद आप उस टाइम उस नहीं थे ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेरे अपने चल रहे हैं ठीक है तो मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि लोगों को प्लेस कर सकूँ अभी लास्ट दो हफ्ते पहले हमने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया था वो टोटल उसमें चालीस पैंतालीस लोग मेरे पास ऐड हुए थे आ, दस से बारह लोगों को हमने बोर्ड कर ली एक्टिव कर दिया उसके ऊपर और कुछ है हमारे पास जो रमज़ान में भी दो प्रोजेक्ट्स और हैं और ये दो प्रोजेक्ट्स हमारे पास कुछ रियल स्टेट के क्लाइंट हैं उनके है। तो उनकी सोशल मीडिया उनके ब्लॉग कंटेंट क्रिएशन और इस टाइप के काम है तो वहाँ पे फिर हम लोगों को प्लेसमेंट्स करवाते हैं या वहाँ पे लोगों को हम ऐड ऑन करवाते हैं ठीक कर? है तो यार ये कुछ हार्ड एंड फास्ट रूलिया ये कुछ कमिटमेंट आया चीज़ें नहीं होती मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस टाइम मार्केट में ई कॉमर्स पोजिशन या हेड पोजीशन के ऊपर जॉब के ऊपर हैं वो काम कर रहे हैं मैंने अभी बताया कि आ, एक बच्चा तो जो आ, कराची में हमारे साथ था ठीक है स्टूडेंट ही था हमारा फिर उसको चेज वैल्यू में जॉब हुई दूसरी जगह गया तीसरी जगह गया तो अभी वो एज अ इकॉमर्स डायरेक्टर गया है दुबई में एक स्टोर है वहाँ पे तो मैं जो अपने एंड से हेल्प कर सकता हूँ या कोशिश कर सकता हूँ वो आप मेरे स्टूडेंट हो भी या नहीं भी तो वो मैं फिर भी करता हूँ मेरे ख्याल से मैं आधे दिन में जो कॉल्स अटेंड करता हूँ लोगों को रिप्लाई करता हूँ मुझे नहीं पता है वो मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है और व्हाट्सएप पे मैसेज आए कॉल आई बात कर रहा हूँ उनसे जो भी हेल्प कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ या जो भी गाइड कर सकता हूँ अपने नाकिस इल्म के मुताबिक और जहाँ तक आपकी बात रही यार क्लाइंट नहीं लेना और जब वो चीज़ें तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ सेपरेटली मेरे सेशंस वगैरह होते रहते हैं अब उसके लिए आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो वो मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर देता हूँ ग्रुप्स बने हुए हैं मैं पे भी, भी वो उसके लिंक वगैरह शेयर कर देता हूँ यार मैं अगर एक किसी को कुछ गाइड कर सकता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ इस चीज़ के साथ एक और चीज़ भी मैंने ये पूछना था कि अगर मतलब कि कोई स्टूडेंट है जो मतलब के उसके पास इतना अमाउंट भी नहीं है कि वो पंद्रह सौ भी पे कर सके लेकिन उसका मतलब जज्बा है वो करना चाहता है तो उसके लिए भी को अपॉर्चुनिटीज आप दे रहे हैं यार अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 1500 भी पे नहीं कर सकता ठीक है वो उसको हम बिल्कुल ऐड कर लेंगे कोई मसला नहीं है ठीक है बट आई थिंक यार 1500 की अमाउंट तो हर बंदा पे कर सकता है ठीक? और अगर बिल्कुल आगा। 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 बिल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा ना तो बेसिकली उसकी फिर वैल्यू नहीं रहती ओके थैंक यू अब, अब इस 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 कोर्स में जितने भी लोग हमारे पास आएंगे ठीक है वो उनकी जो फीस की कुछ अमाउंट है ये आपके लिए पंद्रह सौ का कोर्स आपके लिए पंद्रह कोर्स है एक्चुअली में पंद्रह सौ का कोर्स नहीं है जो डिप्लॉयर्स के लिए है ये इसकी स्टिल प्राइस पंद्रह हज़ार या अठारह हज़ार ही है ये कुछ स्पॉन्सर्स हैं हमारे पास जो कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं तो आपकी फ़ीस के पैसे कोई और दे रहे हैं हम आपसे सिर्फ एक पंद्रह सौ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो बाकी है आपकी बारह हजार तेरह हज़ार पर स्टूडेंट के हिसाब से वो हम डिफरेंट वे, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं हम उनसे पैसे ले रहे हैं हम बहुत लालची लोग हैं मुफ्त तो नहीं बढ़ाते <laughs> तो खैर वो भी आपको मैं अगले जिससे हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो वो भी आपको मैं बताऊँगा उनको भी हाईलाइट लाइट करूँगा उनको भी हम बे बेनकाब करेंगे एक्सपोज करेंगे उन लोगों को भी ये कौन पागल लोग हैं जो लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोगों को पैसे दे रहे हैं यार ये पैसे पकड़ो उन लोगों को पढ़ाओ इस तरह के पागल लोग भी हैं पाकिस्तान में और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आ, मेरी नज़र में जो मैं 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 जिस, जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि यार ये जो डिजिटल एजुकेशन है ना या ये जो स्किल सेट है ये राइट right है या रॉन्ग है वो एक अलग चीज़ होती है बट इसको पेनिट्रेट होना चाहिए हम लोग दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे फ्री लांसिंग में आती हैं क्यों हमने बहुत जल्द इन चीज़ों को एडॉप्ट करना शुरू कर दिया अब इन स्किल्स के ऊपर दो हज़ार में आ, लर्निंग विदर्निंग इमरान शेख साहब उन्होंने काम करना शुरू किया ठीक है 2015-16 में सनी भाई आ गए फिर इनेबलर स्टार्ट हुआ था 16-17 18 में मैं Enablers का मैंनेबल था उस, उस ज़माने में तो बहुत सारी और आना शुरू हो गए अब ये अच्छे हैं बुरे हैं ये मंजन बेच रहे हैं फकी बेच रहे हैं ये चूरन बेच रहे हैं ये कुछ भी बेच रहे हैं अल्टीमेटली पाकिस्तान का यूथ का लोगों का हम लोगों का फायदा है ठीक है अब एक्सट्रीम कॉमर्स इनेबलर्स या वाई जी जितने भी ये लोग हैं इनके स्टूडेंट की सक्सेस रेशो क्या रही है अच्छा रहा है बुरा रहा है लोगों ने पैसा कमाया नुकसान हुआ कुछ भी हुआ उस गांव देहात तक भी एक मैसेज गया जो कि है ऑनलाइन अर्निंग का बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर आगे वीडियोस बना रहे हैं पैसे कमा रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनको कॉन्सेप्ट भी नहीं था आइडिया भी नहीं था ऑनलाइन अर्निंग भी कुछ चीज़ होती है तो ये 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 चीज़ें इस तरीके कार से डेवलप होती है आप, माइंड सेट ऐसे डेवलप होता है हाँ अच्छी चीजें भी होती हैं बुरी चीजें भी होती हैं मेरा एक बॉस था आ, वो अली बाबा में वाइस प्रेसिडेंट था तो मैंने ई कॉमर्स के रिलिवेंट उससे डिस्कशन हो रही है तो जो पाकिस्तान में आपको पता है एक हालात हैं रिटर्न्स वगैरह और एक्सचेंज और ऑर्डर कैंसलेशन और उसके वाले से तो उससे मैंने पूछा यार ये या अली बाबा इतना बड़ा नंबर होता है ऑर्डर्स का तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स कैसे फेस किए जाते हैं ठीक है या वहाँ पे जिस तरह लोग यहाँ पे कह रहे हैं जी हमने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया फेक ऑर्डर्स आ रहे हैं कैंसिलेशन हो रही है वो सब चीज़ें तो उनको वो अली बाबा कैसे मैनेज करते हैं वहाँ पर तो ऑबसली जितना पाकिस्तान में पूरे साल में ऑर्डर आते हैं उससे तीन गुना या चार गुना ज़्यादा तो एक दिन में अली बाबा के ऊपर ऑर्डर्स होते हैं तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है चाइनीज़ लोग बहुत नेक और फरिश्ता इंसान है वहां पे भी ये मसले होते हैं वहां पे भी ये इश्यूज होते हैं ठीक है बट हम इन चीज़ों को एक लार्जर स्केल के ऊपर देख रहे हैं कि आज अगर हमारे पास एक बंदा ऑर्डर प्लेस करता है फेक ऑर्डर कर रहा है या रिटर्न कर रहा है या वो कुछ भी कर रहा है वो कल या परसों या आने वाले टाइम में वो ही हमारा कस्टमर होगा वो किसी मजबूरी में किसी लालच में डिस्काउंट के लिए आ, टाइम नहीं है किसी भी रीज़न से वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा यही सूरत हाल इस टाइम पाकिस्तान की अभी हम लोग ई कॉमर्स हमारा ग्रोथ नहीं हुई अब ये समझो यार जो ई कॉमर्स का बच्चा है वो अभी वो गोद में है उसने भी चलना भी शुरू नहीं किया उसने बोलना भी शुरू नहीं, कि, नहीं किया पीक ई e कॉमर्स की पीक पाकिस्तान में ये मेरे हिसाब से मेरे अंदाजे से को 2040 से 45 तक आएगी सेचुरेशन स्टार्ट 2040 से 45 से होना शुरू होगी अभी अभी तो हम बिल्कुल एक अभी हम नेगेटिव में अभी हम एक बॉटम लाइन के ऊपर अभी डेवलपमेंट हो रही है और ये सबसे अच्छा टाइम है ई कॉमर्स e में इन होने का अगर आप आज से चार साल पहले पाँच साल पहले ई e कॉमर्स में इन हुए होते तो आज आपकी साइट रैंक हुई होती आपके पास एक नंबर होता आपके पास एक यू you नो know, कस्टम कस्टमर की एक एक लिस्ट होती एक ऑडियंस नेटवर्क होता ठीक है आज शुरू करोगे तो अगले आने वाले तीन चार सालों में ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी पाकिस्तान में भी ई e कॉमर्स का वो बूम या वो हमें लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है पर ऑनेस्टली अभी बिल्कुल जीरो है गूगल पे एक चीज़ सर्च करना पाकिस्तान की रिटेल वैल्यू क्या है रिटेल वैल्यू को पता क्या होता है एक दिन में पूरे पाकिस्तान में जितने भी हम पच्चीस करोड़ छब्बीस करोड़ लोग हैं वो जो ख़रीदारी करते हैं प्लॉट ले रहे हैं गाड़ी ले रहे हैं बंगला ले रहे हैं सब्जी ले रहे हैं पेट्रोल को पंच पेट्रोल डलवा रहे हैं बाइक को पंचर लगवा रहे हैं राशन ले रहे हैं आटा दाल जिनकी कुछ भी चीज़ें ले रहे हैं ख़रीदारी कर रहे हैं वो एक रिटेल ट्रांजेक्शन हो रही है उस ट्रांजेक्शन की वैल्यू क्या है देखिए तो मैंने लास्ट टाइम सर्च किया था वो फाइव मिलियन था फाइव मिलियन डॉलर्स पर मंथ फिफ्टी मिलियन डॉलर्स पर मंथ 57 मिलियन डॉलर्स पर मंथ की ट्रांजैक्शन होती है पाकिस्तान में ये मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर आप सर्च uh, कर लेना इसको ठीक है वेरीफाई कर लेना अब जो रिटेल वैल्यू है पाकिस्तान की कि पूरा महीना जो हम रिटेल में खरीदारी करते हैं ई-कॉमर्स e उसका 0.03% है अगर पूरा पाकिस्तान ₹1000 की या एक लाख रुपए की शॉपिंग करता है तो ई कॉमर्स पे उस टाइम में सिर्फ तीन रुपए की शॉपिंग होती है जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट अगर हम सिर्फ उस रिटेल ब्रांड की एग्जांपल लेंगे जिसकी शॉप्स भी है और उसका ऑनलाइन भी है जैसे गुलामत है या बुनजा या सफायर या इस तरह के ब्रांड्स कि इनकी शॉप्स भी हैं और इसका इनकी वेबसाइट भी इनका ई कॉमर्स भी है शॉप रिटेल वर्सेस ई कॉमर्स की जो ट्रांजेक्शन है इस टाइम वो 9 से दस परसेंट हैलायमत सौ रुपए की सेल कर रहा है तो नब्बे रुपए की सेल शॉप्स पे कर रहा है दस रुपए की सेल ऑनलाइन पे कर रहा है कोविड के टाइम पे Uh, ये नंबर मैक्सिमम थर्टी फाइव परसेंट के ऊपर गया था जिस टाइम शॉप्स बंद थी उस टाइम तो हंड्रेड परसेंट जाना चाहिए था फिर भी लोगों ने बाइंग करना बंद कर दी थी ये आपका ई e कॉमर्स का स्कोप होगा जिस टाइम ये ज़ीरो पॉइंट थ्री से थ्री परसेंट पे आएगा तो नंबर कितना बड़ा होगा थर्टी परसेंट पे जाएगा तो नंबर कितना बड़ा होगा अच्छा दो चीज़ें और सर्च करना है एक आप सर्च करना पाकिस्तान की रिटेल वैल्यू के दूसरा चाइनीज़ ई कॉमर्स रिटेल वर्सेस ऑनलाइन कितना है और यूएस में रिटेल वर्सेस ऑनलाइन कितना है चाइनीज मेरे लास्ट याद दहानी के मुताबिक कोई थर्टी फाइव से फोर्टी परसेंट रिटेल वर्सेज ऑनलाइन है चाइना में ठीक है और सेकेंड नंबर पर यूएस है वो थर्टी से बिलो ट्वेंटी फाइव से थर्टी के बीच में है यूके अठारह परसेंट है और इंडिया कोई थ्री से फोर परसेंट के बीच में फिर ये नंबर दोबारा से आप इसको रीचेक करना मैं कुछ अर्सा पहले एक रिसर्च कर रहा था कुछ एक थीसिस टाइप एक वो बना रहा था मैं तो उसमें मैंने ये नंबर्स निकाले थे मेरे इस टाइम एक्जैक्टलीन में नहीं है बट आप इन चीज़ों को थोड़ा सा सर्च करना तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि यार अभी हम दुनिया ई e कॉमर्स में या इन तमाम चीज़ों में कहाँ पर और हम लोग कहाँ पे हैं और दूसरी चीज़ जो अभी मैंने बात की कि अगर हम लोग फ्री लांसिंग में दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं वो हम सिर्फ अपने सस्ते होने की वजह से आते हैं वो हमारे लिए कोई प्राउड मोमेंट नहीं है वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है हम इसलिए ज़्यादा फ्री लांसिंग के प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं फाइबर अपर पे या डायरेक्ट क्लाइंट पे भी जो इंडिया में दस डॉलर में कर रहे हैं वो हम एक डॉलर में भी हाफ डॉलर में करके देते इसलिए हम आ, वहाँ पे टॉप पोजीशन पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम बहुत सस्ता काम करके देते हैं हमें अपने काम की वैल्यू नहीं हम क्या अचीव करके दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट आया था यूएसए का उसने तीस स्टोर्स बनवा दिए थर्टी शॉपिफाई स्टोर्स वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा था उसका खैर वो मैं आपको ई e कॉमर्स में उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा वो भी एक बड़ा अच्छा एक मॉडल बन सकता है आप लोगों के लिए वो मुझे कहता है जी मैं आपको पंद्रह डॉलर पर स्टोर पे कर सकता हूँ उसको मैंने जवाब दिया था कि मैं आपसे पच्चीस सौ डॉलर पर स्टोर लूँगा ठीक है और वो कहते हैं मैंने पहले पाकिस्तान में इस इस बंदे से काम करवाया और ये चीज़ें होती है वो चीज़ें होती है तो मैंने बोला जो आप स्टोर मुझसे बनवा रहे हो या जिस लेवल की आप डेवलपमेंट करवा रहे हो आप इससे एक दिन में भी इतना इतना पैसा कमा सकते हो तो ये मेरे चार्जेस है क्योंकि मैं उस बिजनेस ग्रोथ को देख रहा हूँ मैंने कहा नहीं पंद्रह डॉलर मुझे मिल रहे है यार मेरे लिए मैक्सिमम वो तीस स्टोर को बनाने का काम दो तो घंटे तीन घंटे का, का काम होगा एक स्टोर बनाना है और उसको डुप्लीकेट करना है और ये चीजें करनी है बट मैं अपनी चीज़ को वैल्यू दे रहा था वहाँ पे मैंने कहा नहीं ये मैं इतने में नहीं इतने में बनाकर दूँगा बनवाने तो बनवा नहीं तो अल्ला हाफिजली उसने अल्लाफिज बोलना था बट Uh, हम लोग ना अपनी उन चीज़ों को अपने उन स्किल्स को वैल्यू नहीं देते हैं जिसकी वजह से हम लोग वो अचीवमेंट नहीं कर पाते जो कि हमें करनी चाहिए जो कि हम कर सकते हैं जो पोटेंशियल है हमारे अंदर सो फोकस ऑन योर स्किल्स अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो अगले चार महीने के लिए पाँच महीने के लिए छः महीने के लिए स्किल्स के ऊपर काम करो डिजिटल मार्केटिंग क्या है ठीक है कहाँ से शुरू हुई क्यों होती है यूटिलाइजेशन uh, क्या होती है एंड रिजल्ट क्या है लोग क्यों डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं मैं लोगों को कैसे कन्विंस कर सकता हूँ कि मैं आपको अच्छी डिजिटल मार्केटिंग करके दूंगा मैं रिजल्ट्स कैसे क्रिएट करके दूंगा मेरे पास आज कोई ब्रांड आता है ना ठीक है मुझे थोड़ा सा उसका डेटा चाहिए एनालाइज करने के लिए मैं उसको लिख के देता हूँ कि मैं आपको अगले महीने इतनी सेल दूंगा हाउ कैन यू कमिट दिस सेल अगले का ये क्वेश्चन होता है तो सर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ मैं आपको कितनी सेल दूंगा तो वो मुझसे पूछता है यार आप लिख के कैसे दे सकते हो हाउ कैन यू कमिट दिस सेल और ये इनशाला चीज़ मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा ठीक और इस इस चीज़ की एक गारंटी के साथ यार इस टाइम पाकिस्तान में आ, मैं बहुत बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स जो बड़े से मुराद जो बहुत बड़े ब्रांड्स में और बहुत अच्छी सैलरी के ऊपर हैं उनको भी इस मीडिया प्लान का कॉन्सेप्ट भी नहीं यार मीडिया प्लान क्या होता है आप ई e कॉमर्स के फाइनेंशियल या डिजिटल मार्केटिंग की प्रडिक्शंस कैसे नोट डाउन करते हो आप बजट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हो आप अपनी कंपेन्स के स्केलअप कैसे करते हो देखो डिजिटल मार्केटिंग में ये पूरा एक सेशन होगा मीडिया प्लान के ऊपर सर्च करना अगर आपको पाकिस्तान में कोई भी यूट्यूब कर लो तो कोई आपको मीडिया प्लान पढ़ा रहा है या मीडिया प्लान बनाना सो so, हम लोग ना आगे पीछे निकल जाते हैं मैंने बस यही सोचा था यार दस से पंद्रह मिनट का सेशन करेंगे और तकरीबन बस सवा घंटा हो गया यार ख़त्म करते हैं फिर सेशन को एंड करते हैं आपके साथ इंशाल्लाह मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा बाकी सारे आपको मैंने पैरामीटर्स और डिटेल्स बता दिए हैं कल इंशाल्लाह हम फर्स्ट सेशन करेंगे और जो भी इसमें आना चाहे मोर देन वेलकम जो ना आना चाहे वो उनको भी वेलकम वो भी ना आए आने तो आओ नहीं तो आपकी मर्जी है ठीक है चलें थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखें वाले थैंक यू सो मचेंशन थैंक यू यार अल्लाह हाफिज बल्कि एक काम और यार रुक तो जाओ